बहुत अच्छा मेथड बताने वाला हूँ। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा? 1/6। सबसे पहले रेट को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखो, इसे ऑलवेज प्रिंसिपल लिखेंगे। जो डिनोमिनेटर का वैल्यू रहेगा ऑलवेज क्या लिखेंगे? इसे ऑलवेज इंटरेस्ट लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल से वैल्यू जो इंटरेस्ट का होगा छोटा होगा। और अमाउंट इसको इसमें ऐड कर देंगे, कितना आएगा अमाउंट, क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू आप लोग लिखे हैं प्रिंसिपल प्लस सी आई लिखे हैं ना जी, तो प्रिंसिपल में 1 ऐड कर देंगे, अमाउंट आया। इतना समझ में आया सबको? प्लीज बोलिए। टाइम कितना दिया है? तो 6 से अमाउंट बढ़ जाएगा, कितना होगा? 7। टाइम 2 इयर्स है तो 2 बार लिखेंगे। इतना समझ में आया? अब इसका टाइम कितना ईयर है तो इसीलिए 2 बार इसे लिख दिए, 6 से 7, 6 से 7, 6 6 7 7 7। ये आपका अमाउंट आया और ये आपका, इतना समझ में आया सबको? अब अभी आप पढ़े थे अमाउंट को प्रिंसिपल से घटा देंगे क्या आएगा, सीआई कितना आएगा? 9 में से ये क्या आया? इंटरेस्ट। इतना समझ में आया भैया? प्लीज बोलो। अब आपको क्या वैल्यू दिया है? अमाउंट दिया है। अमाउंट कितना है? तो 49 यूनिट का वैल्यू 9800 है जी। 49 2 98, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 200। अब यही आपसे प्रिंसिपल पूछा है, 36 × 200 कर दो, 7200, ये प्रिंसिपल आ गया। और 13 में 200 कर दो, 26 आपका सीआई आ गया, रिजल्ट आया। समझ में?